ये गलती मैंने कर दी थी, मेरे 3 महीने बर्बाद हो चुके थे। अगर कोई बोले कि आपसे ये नहीं कर सकते, आपसे ये नहीं बन सकते, तो उसको जोर से खींच के थप्पड़ देना। एक गलती जो मैंने कर दी थी इज आई ज्वाइंट क्लासेस। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, अगर आप अभी भी अच्छे से पढ़ोगे, पूरी फोकस के साथ अपनी पढ़ाई करोगे और अपना 100% दोगे, तो आप May 24 का एग्जाम क्लियर कर सकते हो। बट तुम तो मेरी बात मानने से रहे, एग्जाम दोगे, वापस गलतियां करोगे, वापस फेल हो जाओगे, वापस अटेम्प्ट लगेगा और वापस यूट्यूब पे आके सर्च करोगे हाउ टू क्लियर CA एग्जाम्स इन 2 मंथ। तुम मेरी बात मानो या ना मानो, बट मेरा ये काम है एज एन एल्डर सिस्टर, एज अ मेंटोर, आपको ये बताना कि आप कैसे अपनी गलतियों से बच सकते हो और कैसे अपनी गलतियां रिपीट नहीं कर सकते। तो बात करते हैं कुछ ऐसी गलतियों की जो आपको डेफिनेटली नहीं करनी चाहिए अगर आप CA एग्जाम क्लियर करना चाहते हो। इनमें से कुछ गलतियां मैंने कर दी थी जिसकी वजह से मुझे अटेम्प्ट लग गया था, मुझे वापस एग्जाम देना पड़ा। तो मैं चाहती कि जो गलतियां मैंने की वो गलतियां आप वापस रिपीट करो, वापस अटेम्प्ट लगे, इसलिए आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, अगर आपको लगे कहीं भी तो प्लीज आप नोट्स बना सकते हो। बट अगर आप CA एग्जाम्स जल्दी से जल्दी क्लियर करना चाहते हो, जल्दी से जल्दी न्यू अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना चाहते हो, अपनी जिंदगी खुल के जीना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मिस्टेक नंबर 1, डोंट डू एनीथिंग विद अ डबल माइंडसेट। देखो, आपको पता था कि CA डिफिकल्ट है, आपको पता था कि CA में बहुत मेहनत लगेगी। अब जब आप इस कोर्स में घुस गए हो, प्लीज डाउट के साथ मत करो कि मेरे से होगा या नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, शुड आई क्विट, शुड आई डू समथिंग एल्स, धंधा करे क्या, ये करे क्या, एक्सरसाइज। द पॉइंट इज प्लीज डबल माइंडसेट से मत करो। जब सोचा था ना, जब आपने डिसाइड किया कि CA बनोगे, अब CA बन के ही निकलो। यू नो, यहाँ से कंफ्यूजन में मत रहो कि करूँ नहीं करूँ। इससे क्या होगा, सबसे पहले तो आपका टाइम वेस्ट होगा, सेकेंड थिंग आपके पैसे वेस्ट होंगे, थर्ड थिंग आपकी एनर्जी, आप एक वेवरिंग माइंडसेट में रहोगे जिसकी वजह से आप जो काम कर रहे हो वो भी 100% के साथ नहीं करोगे। तो अगर आपने डिसाइड किया है तो पूरी ईमानदारी से पूरी अपना 100% दो, अगर छोड़ना है तो पूरा 100% छोड़ दो। डोंट डू इट विद अ डबल माइंडसेट। ये गलती मैंने कर दी थी CA इंटरमीडिएट में जिसकी वजह से मुझे वापस अटेम्प्ट लग गया था, मेरे 3 महीने बर्बाद हो चुके थे और मैं नहीं चाहती कि आप ये गलती करो। तो प्लीज अगर आपने डिसाइड किया है आप CA करोगे, अपना 100% दो, वापस डाउट के साथ मत करो। मिस्टेक नंबर 2, एंड मोमेंट पे आके पैनिक मत करो। अगर आप डरोगे, पैनिक करोगे तो क्या होगा, जो भी पढ़ा है वो एग्जाम तक याद नहीं रह पाएगा। तो आपने अभी तक जितनी भी पढ़ाई की है, जितनी भी मेहनत की है, प्लीज उसमें कॉन्फिडेंस रखो। प्लीज एंड मोमेंट पे आके डरो मत। देखो, पैनिक और ये सब बहुत नॉर्मल सी चीज है। एक रैंकर है जिसको रैंक लाना है, उसको भी डर लगता है कि भाई उसका, अगर उसे सोचा कि उसको रैंक 1 लाना है तो उसका रैंक 1 से रैंक 2 नहीं हो। सो पैनिक इज वेरी कॉमन। कंट्री में जितने भी CA स्टूडेंट्स दे रहे हैं सबको वो थोड़ा पैनिक तो अनसर्टेनिटी का रहता ही है। बट आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। अगर क्लासरूम में जब एग्जाम हॉल में एंटर हो रहे हो और इतने सारे बच्चे, आपको ये कॉन्फिडेंस से एंटर होता है कि यार अगर इनमें से एक बच्चा भी CA बनेगा ना, दैट इज गोइंग टू बी यू। सो प्लीज डोंट पैनिक। पैनिक में अपना अटेम्प्ट खराब मत कर देना। ये गलती मैंने कर दी थी, इसलिए आई फेल्ट दैट दिस इज नेसेसरी कि मैं ये चीज आप लोगों को भी बताऊं, क्योंकि इतने टाइम की मेहनत, इतने सालों की मेहनत सब वेस्ट हो जाएगी। इसलिए डरो मत, जितना हो सके पढ़ते रहो, ज्यादा अपना ध्यान इधर उधर मत भटकाओ, सोशल मीडिया पे मत भटकाओ, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, बस आप और आपकी बुक, दैट इज इट। मिस्टेक नंबर 3, ये सोचना भी मत कि अगर आपके रिश्तेदार में से कोई इंटेलिजेंट बच्चे का CA नहीं हुआ, जिसके 12th में 95% आए थे, 92% आए थे, तो आपका भी नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं जो एवरेज होते हैं, जो 10th में 72-75 लाते हैं और फिर भी वो फर्स्ट अटेम्प्ट में CA बन जाते हैं। तो प्लीज ऐसा मत सोचना कि इसका नहीं हुआ इसलिए मेरा भी नहीं होगा। देखो, सबकी लाइफ अलग अलग होती है, सबके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, सबकी इंटेलिजेंस अलग अलग होती है और सबकी मेहनत अलग अलग होती है। तो प्लीज ऐसा अपने आप को मत बोलना कि इसका नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, खुद पे भरोसा करो। अगर आप अपना 100% देने के लिए रेडी हो ना, तो ट्रस्ट मी, भगवान भी आपको CA बनने से नहीं रोक सकता। बट आप पहले मेहनत तो करो यार, आप अपना 100% तो करो, बिकॉज अगर आप ही अपने आप पे विश्वास नहीं रखोगे तो कौन रखेगा। तो अगर आपने सोचा है कि आपको CA करना है, CA बनना है, घर वालों का सपना पूरा करना है, तो प्लीज अपने आप पे भरोसा रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरी जर्नी में। नाउ, एक बहुत बड़ी गलती जो मैंने कर दी थी अपने CA जर्नी में, वॉज की फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ICAI का सारी मटेरियल यूज नहीं किया था। बहुत बार ऐसा होता है कि इतनी सारी बुक्स देख के हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि इतनी बुक्स कौन पढ़ेगा, जिसकी वजह से हम क्लासेस की बुक से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ ट्रस्ट मी, अपना समझ के बता रही हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आप क्लासेस की बुक्स आर सफिशिएंट, भले कोई भी क्लासेस करो, देन ट्रस्ट मी दे आर नॉट। जो भी प्रोफेसर की क्लासेस ले रहे हो, वो प्रोफेसर को एक डेडिकेटेड आवर्स में उनका पूरा कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल 200 आवर्स में उनको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता है, जिसके वजह से वो कुछ क्वेश्चंस स्किप कर देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करवाते हैं। आपको ICAI की स्टडी मटेरियल देखना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप स्टडी मटेरियल नहीं देख पाते हो, अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा है, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, बहुत बड़ी है, देन आई वुड हाईली रिकमेंड दैट प्लीज एटलीस्ट स्टडी मटेरियल से इलस्ट्रेशंस कर लो, या ऐसा कोई क्वेश्चन बैंक ले जिसमें सारे इलस्ट्रेशन
पेशेंस, क्वेश्चन, टेस्ट योर नॉलेज के सारे क्वेश्चन हो, एंड वो देख के जाना बहुत बहुत जरूरी है। तो आईसीआई की स्टडी मटेरियल को स्किप करने का तो सोचना भी। चेक नंबर 5, बहुत बच्चे पढ़ते रहते हैं महीनों तक, पढ़ते रहते हैं सालों तक, पढ़ते रहते हैं फिर भी क्लियर नहीं कर पाते। यू नो व्हाट डिसाइड्स कि आप सीए बन पाओगे कि नहीं, ये नहीं डिसाइड करता कि आपने कितने महीने या कितने घंटे पढ़ाई की, ये डिसाइड करता है कि जितना भी टाइम आपने पढ़ाई की है, क्या आप 1.5 डेज में, जो एग्जाम की जो 1.5 डेज की आपको छुट्टी मिलती है, क्या आप उस 1.5 डेज में पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो कि नहीं। तो अभी से ही जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हो, वो 1.5 डेज में आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, चैप्टर्स कैसे कंप्लीट करने हैं, कौन सा टाइम कितने टाइम में कंप्लीट करना है, ये इसकी स्ट्रेटेजी आपको अभी से ही बनाते चलना है। Trust me when I say this, अगर आप एग्जाम के 1.5 डेज में कोई टॉपिक नहीं देके गए, कोई टॉपिक छोड़ दिया ना, इट इज एज गुड एज कि आपने वो टॉपिक अभी पढ़ाई। तो अभी से ही 1.5 डेज की स्ट्रेटेजी, एक क्लियर स्ट्रेटेजी बनाते चलो। ये पता होना चाहिए कि ये पूरे सब्जेक्ट को आपको इतने घंटे में, इतने डेडिकेटेड आवर्स में कैसे कंप्लीट करना है। इससे आपको क्लैरिटी रहेगी, इससे आपको पता है कि हाँ चलो इस टॉपिक को इतने आवर्स देने एग्जाम के टाइम, इस टॉपिक को उतने आवर्स देने। बट प्लीज प्लीज 1.5 डेज की स्ट्रेटेजी अभी से ही रेडी रखो। नेक्स्ट बिगेस्ट मिस्टेक जो बहुत सारे बच्चे कर देते हैं, पढ़ाई में कंसिस्टेंसी छोड़ देते हैं। मन नहीं कर रहा है, पूरे दिन कुछ नहीं पढ़ेंगे। देखो इट इज ओके, आई अंडरस्टैंड कि कभी पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा होता है, बहुत लो फील होता है, बट कंसिस्टेंसी मत तोड़ो। भले आप अगर 5 घंटा 7 घंटा नहीं पढ़ सकते, एटलीस्ट 4 घंटा पढ़ो, 3 घंटा पढ़ो। बट आपने ऐसा अगर हो गया ना कि 3-4 दिन तक बुक ही नहीं खोली, वापस आपको वो मोमेंटम में आने में, वापस आपको बुक्स खोलने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे। एटलीस्ट टच मत छोड़ो अपने बुक्स से, नहीं तो क्या हो जाएगा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ यू नो मोटिवेशन कि वापस आप बुक खोलो। इसलिए प्लीज प्लीज कंसिस्टेंसी ब्रेक मत करो। अगर कुछ नया पढ़ने का मन नहीं है, जितना पढ़ा उतना वापस रिवाइज करो। वो भी नहीं करना है, कोई प्रोफेसर का यूट्यूब पे रिविजन लेक्चर सुन लो, उससे भी आपकी पढ़ाई होती जाएगी। बट मेक श्योर एवरी सिंगल डे यू आर स्टडिंग समथिंग। नाउ एक गलती जो मैंने कर दी थी इज आई जॉइंड क्लासेस फॉर ऑल द सब्जेक्ट। आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आपको थियोरी सब्जेक्ट्स की क्लासेस की जरूरत नहीं है, तो प्लीज क्लासेस लेके अपना टाइम वेस्ट मत करो। आई फील कि जो भी थियोरी सब्जेक्ट्स है वो मॉड्यूल से इजीली कवर किए जा सकते हैं, बिकॉज ट्रस्ट मी एट द एंड आपको थियोरी सब्जेक्ट रटने ही पड़ेंगे। यू विल हैव टू स्टडी देम डेली, स्पेशली सब्जेक्ट्स लाइक ऑडिट एंड लॉ। भले आप क्लासेस लो या भले क्लासेस मत लो, आपको यू हैव टू स्टडी दो सब्जेक्ट्स एवरी सिंगल डे एंड यू विल हैव टू बाय हार्ट। मैंने ऑडिट के कोई एक्सवाईजेड फैकल्टी के क्लासेस ली थे जो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे, जिसकी वजह से मेरा लेक्चर देखने में टाइम वेस्ट हो गया। जब मैं खुद से पढ़ने बैठी सेल्फ स्टडी के लिए, मुझे कुछ भी याद नहीं था। इट वाज एज गुड एज आई वाज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, एज गुड एज आई वाज स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। सब मैंने सेल्फ स्टडी करके ही पढ़ी एंड आई स्टिल स्कोर्ड डिसेंट मार्क्स। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो क्लासेस मत लो, अगर है देन गुड, बट अगर नहीं है तो डोंट वेस्ट योर टाइम वॉचिंग लेक्चर्स। आप यूट्यूब पे जाओ, आपको बहुत सारे रिविजन लेक्चर्स मिल जाएंगे अच्छे अच्छे प्रोफेसर के। आप वो वीडियोस की हेल्प से भी ट्रस्ट मी अपने पेपर्स क्लियर कर सकते हो। मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स मेक इज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में वो लोग राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से एग्जाम में क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है वो ध्यान नहीं आता है। तो प्लीज मेक श्योर कि अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यू नीड सम अमाउंट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। भले आप पूरे पूरे सम सॉल्व मत करो, नीट मत रखो, बट एटलीस्ट पेपर पे यू विल हैव टू सॉल्व सम सब्जेक्ट्स लाइक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अकाउंट्स, AFM, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। प्लीज प्लीज ये सारे सब्जेक्ट्स में राइटिंग प्रैक्टिस करो। एट द सेम टाइम अगर आपको पता है कि कोई चैप्टर फॉर्मुला बेस्ड है, तो उसके फॉर्मुला के कंसेप्ट नोट्स बना लो, आपको रिवाइज करने में बहुत हेल्प करेगी। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज यू विल नीड राइटिंग प्रैक्टिस इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, बिकॉज उसमें आपकी स्पीड बहुत मैटर करती है और इंस्टीट्यूट जानबूझ के कभी कभी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स लेंदी बनाता है। आपको फटाफट क्वेश्चन देखते याद आ जाना चाहिए कि सम्स कैसे सॉल्व करना है, स्टार्ट कैसे करना है, इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अगर आपने अभी अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, इतने सालों की, इतने महीनों की जो भी मेहनत थी ना, सब ऐसे पानी में चली जाएगी। तो अभी का टाइम अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, जंक खाना मत खाओ, घर पे जो भी बनता है वो खाओ। मेक श्योर दैट यू एक्सरसाइज, डू सम काइंड ऑफ मूवमेंट। कभी भी अगर ब्रेक टाइम हो, 10-15 मिनट्स ऑफ स्ट्रेचिंग कर लो, या फिर बेस्ट मेडिटेशन कर लो, 10 मिनट शांत रखो अपने माइंड को, ताकि आप जो भी पढ़ रहे हो आप अच्छे से पढ़ पाओगे, आपका ग्रास्पिंग पावर बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, ये मैंने खुद किया है अपनी जर्नी में एंड आई हैव फाउंड ग्रेट रिजल्ट्स, इसलिए मैं बोल रही हूँ इसे प्लीज प्लीज लाइटली मत लेना, अपनी हेल्थ को लाइटली मत लेना। अगर 2 दिन भी बीमार पड़ गए ना, तो इससे आपकी पढ़ाई बहुत इफेक्ट होगी। तो प्लीज अपनी हेल्थ को लाइटली मत लेना और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। बस जो भी करो उसमें अपना 100% दो। जब मुझे लो फील होता था पढ़ते पढ़ते, आई रिमेम्बर मैं ये सोचती थी कि कितने सारे लोग हैं जिनको मेरे पे भरोसा है, तो मैं क्यों अपने आप पे डाउट करूं। इतने सारे लोग हैं जिनको लगता है कि मैं कर सकती हूं, और एट द सेम टाइम मैं ये भी सोचती थी कि कितने सारे लोग हैं जिनको जवाब देना है मुझे, जिनको मेरे पे डाउट है, मुझे उनको करके दिखाना है अपने एक्शन से। प्लीज एक फेलियर माइंडसेट मत रखो, ये सोचो कि आप सीए
बन सकते हो, बिकॉज इंसान सबसे पहले दिमाग से बनता है. तो दिमाग से एक्सेप्ट करो दैट यू कैन बिकम अ सीए, बिहेव लाइक अ सीए, एक्ट लाइक अ सीए, टेक दिस एग्जाम सीरियसली. बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सीए करने के बाद जॉब नहीं करना है, प्रैक्टिस नहीं करना है, बट ट्रस्ट मी दिस डिग्री इज द टिकट और द पाथवे टू सो मेनी इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटीज. अगर कोई बोले कि आप सीए नहीं कर सकते, आप सीए नहीं बन सकते, तो उसको जोर से खींच के थप्पड़ मत देना, अपनी मेहनत में जी जान लगाना, पूरा 100% लगाना, एंड ट्रस्ट मी आपको सीए बनने से कोई नहीं रोक सकता. आई वॉज वेरी एवरेज, और अगर मैं कर सकती हूँ ना तो आप भी कर सकते हो. सो प्लीज बी कॉन्शियस एंड डोंट मेक दिस मिस्टेक. सावधान रहो, सतर्क रहो. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल. प्लीज ये वीडियो उन बच्चों के साथ जरूर शेयर करना जिनके सीए के एग्जाम्स आ रहे हैं, जो पैनिक कर रहे हैं, जिनको डर लग रहा है. एंड अगर आपको कोई चीज की मैं कोई और टॉपिक पे वीडियो बनाऊ, देन प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो. एक बात हमेशा याद रखना, जब जिद्दी होगा दिल, जरूर मिलेगी मंजिल. थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना.